फाइनली लंबे समय के बाद वन प्लस ने लॉन्च कर दिया है अपना नया वन प्लस सिक्स। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वन प्लस सिक्स के बारे में और स्पेसिफिकेशंस और पेपर डिटेल्स और ओवरव्यू और हैंड्स ऑन की ये फोन आपको कैसा दिखने मिला, क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगी और बॉक्स कंटेंट क्या होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं टेक्निका। अब बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर में आपको वन प्लस सिक्स देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको एक सिलिकन कवर का क्या कहते हैं बॉक्स देखने को मिलेगा और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपको डैश चार्जर रखा हुआ मिल रहा है, प्लस उसके नीचे जो है वो आपकी वायर रखी हुई मिल रही है चार्जर की। तो ये जो चार्जर है वो है 5 वोल्ट 4 एम्पीयर का, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोन को जल्दी चार्ज कर देगा। और जो वायर है वो है Type-A to Type-C, जो कि क्विक चार्ज सपोर्ट करेगी। अब आते हैं इसके डिस्प्ले में, तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है 6.28 इंचेस की और आपको इसमें 19:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल रही है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2280 पिक्सल मिलेगी और साथ ही साथ आपको 402 पिक्सल/इंच की डेंसिटी देखने को मिलेगी। और जो खास बात है इस फ़ोन की इसमें यह है कि इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगी आगे और पीछे दोनों में। इसमें आपको ऑक्सीजन ओएस डाली हुई है, तो यानी कि आपको इसमें एक कस्टम सा लुक देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 8.1 इसमें डाला हुआ है ओडियो, और जो चिपसेट है वो है स्नैपड्रैगन 845 वाला, ऑक्टा कोर का साथ इसका सीपीयू है, और ये जो सीपीयू है वो है काइरो 385 वाला। एड्रेनो जो है वो है 630, यानी कि इसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल टॉप नॉचेस की दी हुई हैं। आपको इसमें डबल सिम आप लगा सकते हैं, पर आप इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं चाह कर भी। इसमें आपको दो वेरिएशन मिलेंगे, मतलब वेरियंट्स मिलेंगे, एक है 6 GB रैम वाला और 64 GB इंटरनल मेमोरी वाला, और एक है 8 GB रैम वाला और 128 GB वाला, या फिर 8 GB वाला और 256 GB इंटरनल मेमोरी वाला। अब कैमरा की बात करें तो आपको इसमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, 16 MP का जो है वो प्राइमरी कैमरा है f1.7 के साथ, और माइक्रोन साइज़ है 1.2 माइक्रोन की। इसमें आपको EIS+OIS दोनों में देखने को मिलेगा। जो सेकेंडरी कैमरा है जो कि डेप्थ सेंसिंग के काम आता है वो है 20 MP का f1.7 के साथ, और जो माइक्रोन साइज है वो है 1.0 माइक्रोन की। इसमें आपको डुअल LED फ्लैश टोन मिल रहा है, उसके नीचे आपको ठीक फिंगरप्रिंट सेंसर है आप देख सकते हैं। आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड होगी वो होगी 4K में 30 FPS या 60 FPS पे, या फुल HD में आपको 30, 60, 240 FPS तक की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इवन आप 720p में तो आप 480 फ्रेम्स तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंडरी कैमरा जो है वो है 16 MP का f2.0 के साथ, और माइक्रोन साइज है उसमें है 1.0 माइक्रोन की, और इसमें भी आपको जायरो EIS दिया गया, यानी कि आपकी जो स्टेबलाइजेशन होगी वो कैमरा में बिल्कुल ही मस्त होंगी। अब बात करते हैं नॉर्मल कुछ कॉमन फीचर्स की जो कि इसमें दी गई हैं। तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल रही है, एक्सेलेरोमीटर मिल रही है, जायरोमीटर मिल रही है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, ये सभी मिल रही है। इसमें आपको HTML5 है। अब जो खास खास बात इस फ़ोन को जो थोड़ा अलग बनाती है, तो इसमें आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग मिल रही है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की 20 वाट की डैश चार्जर, जो कि बहुत ही अलग है। अब बैटरी के पे आते हैं, क्योंकि बैटरी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो हमारी यूजेस है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो बैटरी है इसमें 3300 mAh की। आप ये देख सकते हैं इसमें जो ये जो आपको अलर्ट स्लाइडर दिया गया है, इससे आप क्या कर डायरेक्टली आप चाहे तो उससे अपने फ़ोन को साइलेंट, जनरल, आउटडोर मोड पर स्विच कर सकते हैं बिना आप इवन आपको फ़ोन को स्क्रीन लॉक किए अनलॉक किए हुए। तो ये एक अच्छी बात है जो कि इस फ़ोन में दी गई है। फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत स्लीक है, इधर आपको वॉल्यूम रॉकर प्लस पावर बटन देखने को मिल जाता है, और जो नीचे में है आपको स्पीकर और प्राइमरी माइक्रोफोन और जो स्पीकर की जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है। इसमें जो खास बात यह है कि इसमें आपको कम से कम 3.5 mm जैक दी गई है अलग से, क्योंकि बहुत सारी फ़ोन्स हैं अब अलग से आपको डोंगल्स लगाने के लिए बोलती हैं और वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है अगर देखा जाए तो। तो इसमें आपको अलग से 3.5 mm जैक मिल रही है, ये अच्छी बात है। और इसमें एक जो खास बात है जो कि मुझे अच्छी लगी कि इसमें आपको आप चाहे तो एंड्रॉयड पी भी डाल सकते हैं, बेटा वर्जन आपको इसमें एंड्रॉयड पी डालने की फ़ीचर्स दी हुई है। ऑन पेपर बात किया जाए तो वन प्लस सिक्स बहुत कमाल का फ़ोन है, बहुत ही कमाल की फ़ीचर इसमें आपको दी गई है। फ़ोन को आने दीजिए, और फ़ोन चाहे तो आप इसे अपने पर्सनली यूज़ भी कर सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड ये फ़ोन कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नोटिस किया कि आप मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा चेंज है, क्योंकि मेरा जो रूम है वो अभी रेडी नहीं था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक नया पीसी बिल्ड लाने वाला हूँ। उसी पीसी बिल्ड के चक्कर में जो मेरा रूम है वो बहुत इधर उधर हो गया था, मतलब कि रूम की जो सारी सामान थी इधर उधर रखी हुई थी और रूम में वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इसके चलते मैं कल आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसलिए सोचा क्यों नहीं आज कहीं भी कैसे भी आपको एक वीडियो तो आपको देनी ही थी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिख रहा चैनल का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या नीचे दिख रहा चैनल का लोगो होगा उस पर भी क्लिक करके आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री में।